कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून का सम्मान हम लोग करते हैं। कि अगर सीबीआई की बस चलती तो विपक्ष के सारे नेता जेल के अंदर होते। सीबीआई तो लगातार ही कई बार आई है, हर बार सहयोग हम लोग सीबीआई को किए हैं। कानून कोई अगर तोड़ेगा तो कानून से बाहर नहीं जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिस तरह से बौखलाहट सामने आई है, इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं अपने ही भाजपा अपने ही आप को षड्यंत्र के घेरे में दिखाता दिख रहा है। पांच वहां पर पत्रकारों की हत्या हुई, भाजपा की संलिप्तता खुल गया, आरटीआई कार्यकर्ता की मोतिहारी में हत्या हुई, ये भूल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ रूपम। बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपने देखा ही कि किस तरह से जब से उन्हें उनकी सत्ता आई है और उसके बाद बीजेपी लगातार उन पे कटाक्ष कर रही है। और अभी जो मुद्दा सामने निकल के आ रहा है, आपको बता दें कि IRCTC में जो उनका मामला जो फंसा हुआ था, वो जो तेजस्वी यादव जो बेल पे थे, अब CBI कोर्ट पहुंच चुकी है उनके बेल को रोकने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना कि CBI अब कोर्ट पहुंच चुकी है उनके बेल को रोकने के लिए। और इस मुद्दे पर जब हमने RJD के प्रवक्ता शक्ति यादव सिंह जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो आप सुनिए। CBI कोर्ट में गई है, जाए एक बार जाए हजार बार जाए, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून का सम्मान हम लोग करते हैं और देश कानून से चलता है। अब जिनके कहने पर जाएं CBI उनका मर्जी है, जिस कारण से जा रहे हैं उनकी मर्जी है। पर इतनी बात तो स्पष्ट जान लीजिए एक बात, कि अगर CBI की बस चलती तो विपक्ष के सारे नेता जेल के अंदर होते, अरविंद केजरीवाल जी से लेकर के सिसोदिया जी, सबका बेल है, सब कैंसिल हो जाते। इसलिए मेरा मत साफ है, CBI जाना चाहते जाए। जब जब भी CBI आई है रेड मारने, तब तक सहयोग ही मिला है, असहयोग नहीं हुआ है। सांच को आज की जरूरत नहीं होती है, इसलिए बात साफ है। CBI जा रही है, जाए, उनका मर्जी है। क्यों जा रहे हैं, किसके निर्देशन में जा रहे हैं, उनका मर्जी है। पर कानून सबके लिए है, कानून का हम लोग सम्मान करते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। आपको लगता है किसी के कहने पर CBI जो है वो कार्य कर रही है? हमने तो वो नहीं कहा, हम तो साफ कर रहे हैं कि CBI जाना चाहती है वो जाए। CBI तो लगातार ही कई बार आई है, हर बार सहयोग हम लोग CBI को किए हैं। हमारे नेता कभी सहयोग करने में पीछे हटे हैं क्या? बिहार का मीडिया सब देखा है कि रवैया जहां सहयोगात्मक रहा है उस पर कोई सवाल नहीं है। बिहार में राजद की सरकार आई है, महागठबंधन की सरकार आई है, बिहार में खौफ बढ़ गया है, लोग डरे से हैं, आखिर क्यों? रविशंकर प्रसाद जी जो भारत सरकार के कानून मंत्री रहे हैं, उनसे ये पद इसीलिए छीन, को सही आकलन भी समझ में नहीं आता है। 17 वर्षों तक वो रहे सत्ता में, पार्ट ऑफ द पार्टनर। जरा कल बताइए कि क्या रेशियो रहा है, जरा निकाल लें, एक महीने का निकाल लें क्राइम ब्यूरो से, उन्हीं के पास भारत की सरकार का रिपोर्ट है, निकाल तो लें। कानून कोई अगर तोड़ेगा तो कानून से बाहर नहीं जाएगा। अपराधी बेलगाम होंगे तो अंकुश लगाना सरकार का दायित्व है। कोई षड्यंत्र भी करेगा तो बक्से नहीं जाएंगे। असमान अपराधी घटना बेगूसराय में घटी, पुलिस तत्परता के आलोक में नकेल कसने में आगे बढ़ी है। कुछ लोग पकड़े हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिस तरह से बौखलाहट सामने आई है, इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं अपने ही भाजपा अपने ही आप को षड्यंत्र के घेरे में दिखाता दिख रहा है। अपराधियों के संरक्षण में आती है भाजपा, क्या चाहती है कि देश राज के अंदर में अस्थिरता कायम हो? रविशंकर प्रसाद जैसे लोग, अरे नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ लेते? उस समय मुंह में दही क्या, एक भी बयान नहीं आए थे जब मधुबनी में एक ही छत्री परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी, रावण सेना पर संरक्षण का आरोप लगा था, इनके ही पर्यटन मंत्री का बेटा अग्नेश सर्वेत्यम लहराया था, 5 वहां पर पत्रकारों की हत्या हुई, भाजपा की संलिप्तता खुल गया, आरटीआई कार्यकर्ता की मोतिहारी में हत्या हुई, ये भूल जाते हैं।
सिटी में भाजपा के लोगों का नाम आया, हत्या हुई सरकार के, लेकिन कानून के इकबाल पर हम लोगों ने सवाल नहीं खड़ा किया। कानून अपना काम करेगा, न कानून किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, न बचाने वाले बचेंगे न फंसाने वाले बचेंगे, कानून अपना काम करेगा। तो आपने सुना कि शक्ति यादव जो उन्होंने कहा है कि सीबीआई की अगर मन चले, अगर विपक्षी की अगर बात करें, अगर विपक्षी की मन हो तो जितने भी उनके विपक्ष में आते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कर ले या आरजेडी के किसी की भी बात कर ले, तो उनका बस चले तो हर किसी को वह जेल में डाल दें। और सीबीआई का तो काम ही है इस तरह के काम करना, तो वो अपनी जो काम है वो करते रहें, क्योंकि आज पहली बार नहीं सीबीआई आई है, सीबीआई कई बार यहाँ आए भी हैं और हम लोगों ने उनके साथ कॉपरेट किया है, मिला कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि जो बीजेपी है वो लगातार उन पे कटाक्ष कसते हुए नजर आ रही थी शुरुआती दौर पे ही, जब तेजस्वी यादव की जब सत्ता आई तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि उप मुख्यमंत्री, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं वो बेल पे हैं। अब उनकी बेल जो है वो कब खारिज हो जाएगी, कब खत्म हो जाएगी और वो जेल चले जाएंगे, ये तो पता नहीं। चलिए अब देखना यह होगा कि अब जो उनकी बेल खारिज होने के लिए जो सीबीआई ने जो याचिका दायर कि है तो क्या उनका बेल खारिज होता है या फिर आगे की ओर उनकी बेल बनी हुई रहती है। चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।